हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्वयं 24। सो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया 1.5 ईयर का पेज नंबर फर्स्ट का 51 क्वेश्चन से। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो ये बनी है गीतांजलि श्री। और किस उपन्यास पे बनी है? तो द टॉम ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? ये खोल रहा है लिथुआनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो ये जारी किया है नेक्सो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है इक्वाडोर। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे लंबा स्पेन्स पुल स्काई ब्रिज 721 मीटर लंबा जो है पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो ये खोला गया है चेक गणराज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? ये खोला गया है वियतनाम में। विश्व का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित की जा रही है तेलंगाना में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पे की है? तो ये किया गया है सिंकुला दर्रा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है कुवैत ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला देश बना है अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में क्वेश्चन है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये बना है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये ढाका को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये किए फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। आइए कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो ये नीदरलैंड में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की? तो ये दिसंबर 2024 में की गई है, की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाश गंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा एल सी योनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है जनवरी 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? ये किया जाएगा इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन केवी फेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है IIT मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि खेलकूद से संबंधित है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो ये जीता है इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षदा शरद गरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 21 और 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने रही रवि दहिया, जो कि हरियाणा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो ये जीता है कौन? तो हैदराबाद FC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती है? तो ये जीता है गुजरात टाइम्स राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है, फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपनी सबसे दूरी लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है 89.30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की 5वीं महिला कौन बनी है? तो ये बनी है निकहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया जा रहा है ब्राज़ील, जिसमें भारत का स्थान है 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना है? तो ये बना है कोलकाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रफ टूप डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो ये देखी गई है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बायोगैस खाद अपशिष्ट से चला संचालित भारत की पहली ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया जैसलमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये तैयार हुआ है रामपुर, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला बम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? बम्बू विलेज का निर्माण होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉपिक है 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, तो इसको आज हम जान लेते हैं। देखिए, एक तरफ दिया है महोत्सव त्योहार के नाम, उसका किस मंथ में है और स्थल क्या है। तो खारसी उत्सव का आयोजन कब हुआ है? तो जुलाई 2020 में, और कहाँ पर हुआ है? तो त्रिपुरा में हुआ है। उसी तरह आम महोत्सव का स्टार्टिंग कब हुआ है? तो जुलाई 2020 में 22 में मनाया गया है और इसका स्थल रहा है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला, तो इसका आयोजित किया गया है जून 2022 में और इसका स्थल कहाँ रहा है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैखो त्यौहार, तो बैखो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में, और कब मनाया गया है? तो जून 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवेंडर फेस्टिवल, तो ये मनाया गया है मई 2022 में और कहाँ पर मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव, ये मनाया गया है मई 2022 में एंड कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सिरोही लीली महोत्सव, ये मनाया गया मई 2022 में और कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव, ये मनाया गया है अप्रैल 2022 में एंड असम में मनाया गया है। माधवपुर मेला मनाया गया है कहाँ पे? अप्रैल 2022 में मनाया गया है और गुजरात में मनाया गया है। नेक्स्ट है, सरहुल महोत्सव कब मनाया गया है? तो अप्रैल 2022 में और कहाँ पर? तो झारखंड में सरहुल महोत्सव। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तो ये मनाया गया है मार्च 2022 में और कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्बाला उत्सव, ये मनाया गया है मार्च 2022 में एंड कहाँ मनाया गया है? तो कर्नाटक में मनाया गया है। नेक्स्ट है, डोल यात्रा कब मनाया गया है? तो मार्च 2022 में, कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। उसी तरह हेरात पर्व कब मनाया जाता है? मार्च 2022 में मनाया गया है और कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, ये कब मनाया जाता है? तो फरवरी 2022 में और कहाँ पर? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त सप्तमी उत्सव, ये कब मनाया गया है? तो फरवरी 2022 में और कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरग्या महोत्सव। तुरग्या महोत्सव मनाया गया है फरवरी 2022 में और कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचोत महोत्सव, ये कब मनाया जाता है? तो फरवरी में ही मनाया जाता है और 2022 में और जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसार महोत्सव, लोसार मनाया जाता है फरवरी 2022 में और कहाँ पर? तो लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग नामसुंग महोत्सव, ये मनाया गया जनवरी 2022 में और कहाँ पर? तो सिक्किम में। लोसार बोलेगा तो लद्दाख में और लोसांग बोलेगा तो सिक्किम में। कचाई लेमन महोत्सव कब मनाया गया? तो जनवरी 2022 में और कहाँ पर? तो मणिपुर में। नेक्स्ट है जल्ली कट्टू महोत्सव, ये मनाया गया है जनवरी 2022 में और कहाँ पर मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्प ग्राम महोत्सव, तो ये कब मनाया जाता है? तो दिसंबर 2021 में मनाया गया है शिल्प ग्राम महोत्सव और कहाँ पर? तो उदयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हार्नबिल फेस्टिवल कब मनाया गया है? तो दिसंबर 2021 में और कहाँ पर मनाया गया है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट है पुष्कर महोत्सव, पुष्कर महोत्सव कब मनाया गया? तो दिसंबर 2021 में और कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये मनाया गया है दिसंबर 2021 में और कहाँ मनाया गया है? तो पणजी में मनाया गया है। अहरवल महोत्सव, अहरवल महोत्सव कब मनाया गया है? तो नवंबर 2021 में और कहाँ पर मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। उसी तरह चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये कब मनाया गया है? तो नवंबर 2021 और कहाँ पर? तो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोइंता वंदना महोत्सव, ये मनाया गया है नवंबर 2021 में और कहाँ पर मनाया गया है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है एप्पल फेस्टिवल, ये कब मनाया गया है? तो अक्टूबर 2021 में और कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव, सेब महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सितंबर 2021 में मनाया गया है और उत्तराखंड में। नेक्स्ट है हिमालयन फिल्म महोत्सव, हिमालयन फिल्म महोत्सव ये कब मनाया गया है? तो सितंबर 2021 में और कहाँ पर? तो लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनालू त्यौहार कब मनाया गया है? तो जुलाई 2021 में और कहाँ पर मनाया गया है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेला, हरेला उत्सव कब मनाया गया है? तो जुलाई 2021 में और कहाँ पर मनाया गया है? तो उत्तराखंड में, हरेला उत्तराखंड में। रज महोत्सव, रज महोत्सव मनाया गया है जून 2021 में और कहाँ पर मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। उसी तरह बोलेगा राजा पड़वा या मिथुन संक्रांति, तो ये दोनों कब मनाया जाता है? जून 2021 में और कहाँ पर मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साजिबू चिरौबा त्यौहार, साजिबू चिरौबा त्यौहार ये कब मनाया गया है? तो अप्रैल 2021 में और कहाँ पर? तो मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मो महोत्सव, सिग्मो महोत्सव कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 2021 में और कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगकेन महोत्सव, जिसको जल महोत्सव बोलते हैं, ये मनाया गया है अप्रैल 2021 में और कहाँ पर मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव कब मनाया गया है? तो मार्च 2021 में और कहाँ मनाया गया है? तो सिद्धार्थनगर, यूपी के सिद्धार्थनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ महोत्सव, गुड़ महोत्सव कब मनाया जाता है? तो मार्च 2021 में और कहाँ पर मनाया जाता है? तो लखनऊ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केला महोत्सव, केला महोत्सव कब मनाया जाता है? तो मार्च 2021 में और कहाँ पर मनाया जाता है? कुशीनगर यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनुमा महोत्सव, कनुमा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जनवरी 2021 में और कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। मिलते हैं एडुटेरियम 1.5 ईयर्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।